क्या बात है ग्रूट, ये गाड़ी तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजेदार है। अरे वाह, इसको चलाने का मजा ही कुछ और है। वाह, क्या नई गाड़ी खरीदी है तुमने। अरे ये कि मैंने नई गाड़ी नहीं खरीदी है, ये मैं गैलेक्सी से अपने साथ में लेकर आया हूँ सिंचन। अरे तुम थोड़ा आराम से चलाओगे, ये बहुत ही ज्यादा डेंजर कार है। अरे यार ये तो बहुत ही बढ़िया लग रही है मुझे। वाह मजा आ गया ग्रूट, तुमने मुझे ये गाड़ी चलाने दी, तुम मेरे सबसे सच्चे दोस्त हो। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा आराम से तो चलाओ यार, क्या कर रहे हो, ऐसे तो मेरी गाड़ी टूट जाएगी। अरे यार टूटने दो, क्या हो गया, तुम दूसरी गाड़ी ले लेना। अरे क्या कर रहे हो सिंचन, पागल हो गए हो क्या, ये गाड़ी को तुमने रॉकेट बना दिया है। अरे रोको मेरी गाड़ी को। अरे यार क्या हो गया ग्रूट, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, ये रॉकेट ही तो है, ये गाड़ी का है। अरे पागल हो क्या, ये कार है लेकिन रॉकेट की डिजाइन में, तुम तो इसका सही का रॉकेट बना दे रहे हो। उतरो जल्दी उतरो, मेरी गाड़ी खाली करो। अरे यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अरे यार तुम तो बहुत गुस्सा कर रहे हो। अरे उतरो सिंचन जल्दी से। अरे यार ये क्या हो गया ग्रूट, तुम्हें क्या हो गया। अरे तुमने मेरी गाड़ी के साथ ये क्या किया, देखो सामने से तुमने पूरा का पूरा तोड़ दिया। मैंने इतनी मुश्किल से ये गाड़ी खरीदी थी, देख रहे हो ना तुमने क्या क्या कैसे। अरे यार ये क्या किया तुमने। अरे यार मैं क्या करूं, मेरी गलती क्या थी, इसका बूस्टर ही ऐसा था, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही थी। अरे यार सॉरी। अरे यार तुम कुछ नहीं पता, चुप रहो, तुम बिल्कुल नादान हो। अरे यार मुझे नादान मत बोलो, समझ के नहीं उठ जाओ यहाँ से फुट लो। अरे 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 मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के सिंचन कदा कहीं का। अरे मुझे कदा बोल के जा रहा करो, रुक जा बच्चे, तुझे मारता हुए। हाँ भाग यहाँ से, अब तू यहीं रहेगा। ये सिंचन तो एकदम सा पागल है एक नंबर का, उसने मेरी गाड़ी ली और पूरी गाड़ी का कबाड़ा भी कर दिया। चलो मैं चलता हूँ अपने घर पे, इन लोगों ने तो सिंचन को आखिरकार मुझे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी सिंचन से। सिंचन ने अरे यार ये क्या, ग्रुप तो सही में चले गया, अबे पागल कह के मुझे अब अकेले छोड़ के भाग गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा। अरे यार ये ग्रूट को मुझे लगा मुझे घर तक तो छोड़ देगा। अरे ये तो बहुत ही बेकार निकला, इससे मैं कभी दोस्ती नहीं करूंगा, ना ही मैं इससे कभी बात करने वाला हूँ। ये तो सबसे बुरा मेरा दुश्मन बन चुका है, ग्रूट मेरा एक नंबर का दुश्मन है। हट जाओ यहाँ से, मेरा तो दिमाग खराब हो गया पूरा। अरे हट जा गाड़ी, अरे इधर से चलता हूँ, अब मुझे पैदल ही जाना। अरे यार ये सिंचन ने मेरी गाड़ी की तो वाट लगा दी, लेकिन कोई नहीं, टोनी स्टार से बोल के मैं इसको सही करा लूंगा। वैसे सिंचन बहुत ही बुरा है, उसने मेरी गाड़ी के साथ अच्छा नहीं किया, मैंने उसे फ्री में गाड़ी दी थी लेकिन उसने गाड़ी का कबाड़ा कर दिया मेरी। चलो कोई नहीं, टोनी स्टार से बोल के मैं अपनी गाड़ी को काफी सही करवा लूंगा। याहू टोनी स्टार मैं आ रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मुझे बहुत तेज की भूख भी लग गई है, वैसे मुझे आए हुए अर्थ पे काफी टाइम हो चुके हैं और यहाँ पे एवेंजर्स ने मुझे रहने भी दिया है, नहीं तो अर्थ पे तो मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ। चलो कोई नहीं, मैं हूँ ग्रूट, मैं रहता हूँ यहाँ पे। अबे भाई मुझे तेरा इंतजार था ग्रूट, तू कहाँ पे जब से घूम रहा है। अरे हाँ बोलो क्या हुआ। अबे भाई तूने घर को ये क्या जंगल बना रखा है भाई, तू पागल है क्या। अरे मैंने क्या कर दिया, हल्को बिल्कुल भी हरियाली नहीं पसंद है और तूने पूरे घर को जंगल बना रखा है, ये देख क्या कर रखा है। अबे भाई ग्रूट तू हमारे साथ नहीं रह सकता भाई, अगर तू हमारे साथ रहेगा तो तू यार भाई हमारे मेंशन को पता चलेगा, जंगल बना के रख देगा। हल्को जंगल नहीं पसंद है ग्रूट, तुम यहाँ से जा सकते हो। अरे मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो किसी को भी अर्थ पे नहीं जानता हूँ और मैं किसके घर पे रहूंगा। अबे भाई हमें वो नहीं पता भाई ग्रूट, तू हमारे घर पे नहीं रह सकता भाई, अगर तुझे हमने काफी दिनों तक और रखा ना भाई तो यहाँ पक्का जंगल बन जाएगा और यहाँ पे और भी जानवर आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। और बिल्कुल भी पसंद नहीं करता ग्रूट, तुम यहाँ से चले जाओ। अबे भाई ये तो तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मुझे घर से भगा दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। अरे ये तो बहुत ही बुरा किया इन लोगों ने मेरे साथ में, मेरी पावर ऐसी तो मैं क्या करूं, जहाँ भी जाता हूँ मैं हरियाली कर देता हूँ, आकर मेरी पावर ही ऐसी तो उसमें मेरी क्या गलती है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो अर्थ पे किसी को जानता भी नहीं हूँ। अरे मैं तो बस एवेंजर्स को जानता था और इन लोगों ने ही मुझे अपने घर से भगा दिया, अब मैं कहाँ रहूंगा। ये ले एवेंजर की गाड़ी तोड़ दूंगा, अभी मैं कहाँ पे जाऊँ, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, अर्थ पे तो मैं किसी को भी जानता नहीं हूँ
ओह, मैं एवेंजर्स के अलावा सिंचन को जानता हूँ। सिंचन मेरा प्यार दोस्त है, उससे बस छोटी मोटी लड़ाई तो हो गई है, लेकिन उसके घर में मैं रह सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है वो मुझे अपने घर में रख लेगा और उसके साथ मैं रहूँगा। एवेंजर्स बहुत ही बुरे हैं, इन लोगों ने मुझे भगा दिया है। वैसे चलो कोई नहीं, सिंचन के घर पे रहूँगा मैं। हे दोस्तों, हे गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो और ये कौन रो रहा है? अरे यार, इस स्क्रिप्ट में बच्चे ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। अरे सिंचन, क्या हुआ? ओए मुन्ना, ये जब से रोए जा रहा है मुझे बता भी नहीं रहा है। ए सिंचन, क्या हो गया यार, ये बताओगे मुझे? अरे यार, ग्रुट मेरा नया नया दोस्त बना था और उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे यार, क्या नहीं किया मुझे बताओगे, मामला क्या है? वैसे ग्रुट, ये ग्रुट ग्रुट नाम का मैंने सुना है। अरे यार, एवेंजर्स के घर में रुका था। अरे हाँ, वो जो गैलेक्सी से आया था वही ना? अरे हाँ, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया था, लेकिन यार उसने एक गाड़ी जो गैलेक्सी से लेकर आया है वो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, आगे क्या हुआ? उसने तुम्हें गाड़ी चलाने को नहीं दी क्या? अरे यार, उसने गाड़ी तो चलाने को दी, लेकिन मेरे से वो गाड़ी बार बार ठुक रही थी, तो इसलिए उसने मेरे से छीन ली। अरे ये तो गलत बात है, कोई भी नई गाड़ी चलाता थोड़ी मोटी तो ठुक्कर लगती है, तो ग्रुट ने तुमसे गाड़ी छीन ली। अरे वो बात भी ठीक है, लेकिन ग्रुट मुझे बीच पे छोड़ के चले गए अकेले। मतलब कि तुम वहां से फिर पैदल है घर पे? अरे हाँ, यही बात है, बिल्कुल। ग्रुट एक नंबर का बेकार है। अरे यार, ये सिंचन का घर इधर ही तो था, शायद से मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। सिंचन, अरे सिंचन किधर हो? हाँ, मुझे तो लगता है सिंचन इधर ही रहता है। हाँ, मुझे उसने यही वाला घर बताया था जो कि पहाड़ों में है, और घर का नंबर भी यही है, 3671। और इस गाड़ी के चलते मैंने सिंचन से भी दुश्मनी कर ली थी। चलो कोई नहीं, सिंचन पे मुझे पूरा विश्वास है, वो मुझे माफ कर देगा। सिंचन, अबे सिंचन किधर हो? मैं आ गया, सॉरी सिंचन, मुझे माफ कर दो। सिंचन किधर हो? हे, ये किसकी आवाज आ रही है? अरे यार ग्रुट, तुम हमारे छत पे क्या कर रहे हो? नीचे आओ जल्दी। अरे सिंचन, मैं आ रहा हूँ मेरे दोस्त, सॉरी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अरे मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करी, ग्रुट यहाँ से चले जाओ। अरे यार, मैं क्या करूँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, मुझे एवेंजर्स ने अपने घर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँगा? सिंचन, मैं तुम्हें ही सिर्फ जानता हूँ शर्त पे। अरे ग्रुट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सिंचन के साथ अच्छा नहीं किया और तुम अपनी शक्ल यहाँ पर लेकर आ गए, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। अरे सॉरी सॉरी सिंचन, मुझे माफ कर दो। अरे मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, ग्रुट तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ हमारे घर पे कोई भी जगह नहीं है। अरे यार सिंचन, तुम तो कम से कम ऐसा मत बोलो, तुम तो मेरे तो एक जिगरी दोस्त है, तुमने ऐसा क्या कर दिया? हाँ मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, तुम जाओ ग्रुट, हमारे घर में जगह नहीं है, भाग जाओ यहाँ से, तुम बहुत ही बेकार हो, जाओ यहाँ से अपनी गाड़ी लेके। अरे सिंचन, अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं कहाँ जाऊंगा अकेले, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ तुम्हारे अलावा। ओए वैसे भी हमें ग्रुट रूट नहीं चाहिए, ओए हमारे घर पे पेड़ लगाएगा क्या तू, भाग यहाँ से। अरे ये तो, ये लोग भी कितने बेकार हैं, अरे इन लोगों ने भी मुझे नहीं रखा, अब मैं कहाँ जाऊंगा? ओए जंगल में जा। अरे ये जंगल कहाँ होता है? मुझे तो अर्थ पे कहीं भी जगह नहीं मिल रही है, अरे मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, अब मेरे साथ कौन रहेगा और मैं कहाँ रहूँगा? मैं तो बेघर हो गया और मुझे खाने के लिए भी कोई नहीं देगा, अब मैं अकेला हो गया। ये ले, इस गाड़ी की वजह से सब हुआ, मैं सिंचन को ये गाड़ी चलाने के लिए और दे देता तो वो मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ता, लेकिन उसने भी मेरे से दोस्ती तोड़ ली, अभी मैं इतने बड़े लॉस सैंटोस में अकेला हो गया, अब क्या करूं? सिंचन, अब क्या हुआ? अरे यार लगता है मैंने ग्रुट के साथ जास्ती कर दी। वैसे होगी भैया, मेरी ही गलती थी, मुझे उसकी गाड़ी को बहुत आराम से चलाना चाहिए था, क्योंकि वो गाड़ी बहुत महंगी जो होगी। अरे सिंचन, तुम कहना क्या चाहते हो? अभी तो उसकी बुराई कर रहे थे, अब अच्छाई। अरे यार क्या हुआ, बस गुस्सा था तो गुस्सा मैंने उसके ऊपर निकाल दिया, लेकिन आखिर में वो मेरा दोस्त है और उसके पास कोई भी घर नहीं है। अरे होगी भैया, क्यों ना मुझे अपने घर पे बुला ले। ओए तो मेरे बात सुन पे देखेंगे, ओए वो हमारे घर पे नहीं आ सकता है, और मुझे घर पे कोई ग्रुट प्रूट नहीं चाहिए। अरे यार क्या बात कर रहे हो, सही कहा, वो जहां भी जाता हूँ पेड़ लगा देता, मैंने उसके बारे में सुना है वजन से।
अरे यार अब क्या करें, वो मेरा दोस्त है लेकिन मैं अपने दोस्त को ऐसा नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर तुम लोग मुझे मतलब कि मेरे ग्रुट को नहीं लागे तो मैं भी घर छोड़ के चले जाऊंगा उसके साथ। ओए क्या बात कर रहा है सिंचन, ऐसा तू नहीं कर सकता है। अरे यार सिंचन गुस्सा मत हो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। ऐसा करते हैं यार, भैया ओए क्या करेगा, अरे भैया ट्री हाउस बनाते हैं, जो कि भैया जंगलों के बीच में थोड़ा सा सिटी के साइड भी होगा। क्यों ना हम ग्रूट के लिए एक नया घर बनाए। ओए मुन्ना नया घर बनाएगा? अरे हाँ भैया नया घर बनाएंगे ग्रूट के लिए, जहाँ ग्रूट आराम से रह सकता हो। ओए लेकिन ट्री हाउस कौन बना सकता है? ए भैया ट्री हाउस बिल्डर मैन बना सकता है क्या? ओए नहीं, ओए बिल्डर मैन खाली नॉर्मल घर बना सकते हैं, ओए ट्री हाउस तो मुन्ना खाली गांव वाले बनाते हैं। अरे भैया कौन से गांव वाले? ओए जो कि पहाड़ों में रहते हैं, जल्दी आ मुन्ना। ओके गाइस ऐसा करते हैं, अब हम लोग चाह रहे हैं अपने यार बिल्डर मैन से मिलने के लिए, जो कि यार ट्री हाउस बना सकता है। ओके गाइस हमें जाना उस गाँव में। ओए मुन्ना उस गाँव के बारे में सुना है तूने? ए भैया नहीं सुना मैंने, तुम्हारे मुंह से आज पहली बार सुन रहा हूँ। अरे यार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, हम उसको बुलाएंगे और ग्रूट को एक नया घर गिफ्ट करेंगे। अरे हाँ ठीक है, ए सिंचन तुम्हारे लिए सिर्फ कर रहा हूँ मैं ये। ओए मुन्ना मैं भी, चल कोई नहीं। वैसे मुन्ना वो गांव पता है ना तुझे कहाँ पे? अरे हाँ भैया मुझे सब पता है वो गाँव किधर पड़ेगा, थोड़ी मोड़ी गलियां मैं भूल जाऊंगा। वैसे उस गांव का नाम क्या है? ओए मुन्ना उस गांव का नाम है लकड़हारा गांव। अरे यार ये कैसा गांव है? ओए मुन्ना क्योंकि वहां पे ज्यादातर बंदे लकड़हारे हैं या तो स्मगलर हैं। अरे स्मगलर भैया किसकी स्मगलिंग करते हैं? ओए मुन्ना वो लकड़ी के बॉक्सों के अंदर ओए वेपन की स्मगलिंग करते हैं। अरे भैया तुम्हें कैसे पता? ओए मैं एक बार गया था वहां से वेपन लेने, तो मुझे पता है मुन्ना। अच्छा चलो गाइस यार हमें वहीं चलना है, और वहां पे चल के भैया ओए मुन्ना ट्री हाउस बनवाना है अपना, ओए ग्रूट के लिए खास। हाँ भैया सही कहा, तो गाइस हमें ट्री हाउस बनाना है, और हमें सबसे पहले ट्री हाउस बनाने के लिए एक बिल्डर मैन चाहिए। और गाइस सिटी वाले बिल्डर मैन उस ट्री हाउस को नहीं बना सकते, तो हमें एक ऐसे गाँव का मैन चाहिए जिसको लकड़ी की पूरी अच्छी खासी नॉलेज हो। फाइनली गाइस हम काफी देर से चलने के बाद हम गांव के पास पहुंचने वाले। अरे भैया सुनोगे ये लकड़हारा वाला गांव किधर है? अरे बिल्कुल सही जा रहे हो, आगे से लेफ्ट ले लेना, बस पहुंच गए तुम। अच्छा थैंक यू। अरे यार जल्दी चलो जल्दी चलो। हाँ सिंचन मैं जल्दी से जा रहा हूँ। ओए मुन्ना चल सीधा, ओए आगे से लेफ्ट उन लोगों ने बताया है। ये वाला लेफ्ट तो नहीं, ओए ये रोड है क्या, पागल गए का? अरे यार चलो गाइस यार आगे से लेफ्ट लेना है, यहाँ पे राइट और लेफ्ट आ गया। ओके यहाँ से लेफ्ट लेना है। ए भैया ऊपर ना, ओए लेफ्ट तो यही होता है, चल ऊपर चला दे। ओके गाइस चलो हम ऊपर जा रहे हैं। भैया वैसे स्मगलर वगैरह वहाँ पे रहते तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ओए नहीं ओए वैसे में कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानता हूँ ना। अच्छा चलो गाइस भैया की जान पहचान है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके वैसे भैया मैं इस रोड पे पहली बार आ रहा हूँ, वाओ यार यहाँ से क्या ही व्यू मिल रहा है भैया। ओए मुन्ना इसीलिए गांव बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। भैया ये गांव सिक्योर है वो क्यों? ओए मुन्ना स्मगलर किसी बाहर वाले को आने नहीं देते जल्दी, ये देख रहा है ना पूरा का पूरा। अरे यार ये तो किले की तरह बना रखा है इन्होंने भैया। दरवाजा खोलोगे? ओए मुन्ना ऐसे दरवाजा नहीं खोलता है। ओए क्या कर रहा है, दरवाजा टूटेगा नहीं। अबे तुम लोग क्या कर रहे हो, मरना है क्या तुम लोगों को? कौन हो तुम? ओए मैं जैक हूँ। अबे जैक तू क्या करने आया? अरे मुझे कुछ काम है। अच्छा ठीक है चल जाओ। ए भैया क्या बात है, तुमने दरवाजा खुलवा दिया? ए भैया मैं पूछ के आता यार, कोई ये किसी को जानते हैं या ये बना सकते हैं ट्री हाउस? ओए पूछ ले जल्दी। ए अंकल लोग क्या आप लोग मेरा काम कर सकते हो? बोलो क्या काम है, किसको मारना है? अरे रे किसी को मारना नहीं, मेरे लिए आपको ट्री हाउस बनाना है, उसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे डॉलर दूंगा। अरे ट्री हाउस तो जैक ही बनाता है, हमें नहीं आता ट्री हाउस बनाने, हमें सिर्फ कट्टा बंदूक बनाने आता है और बम। अरे बाप रे बाप, भैया ये तो कट्टा बम बनाते, चलो ठीक है। ए आगे उसका घर है क्या? हाँ आगे ही जाओ, बस राइट में उसका घर पड़ेगा। ए भैया उस बंदे का नाम जैकी है, जो कि लंबर जैक है, उसको बोलते सब लंबर जैकी। ओए मुन्ना कौन सा घर बताया उन लोगों ने? ए भैया यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या बनाया जाता, बम भैया अलग अलग तरीके है। ओए मुन्ना, ए भैया मुझे लगता है यही वाला घर होगा। अरे अंकल यहाँ पे जैकी रहते हैं क्या? अरे हाँ वो तुम्हारे सामने ही तो है। ओके गाइस यार तुम्हारे नाम जैकी है?
हाँ बुड़बक, हमारा ही नाम जैकी है। बोलो क्या हुआ, कितना बम दे दे हम तुमको? अरे यार बम नहीं चाहिए गाइस, हमें एक तुमसे काम करवाना है। हाँ बोलो बोलो, कौन सा काम करें हम तुम्हारे लिए? उसके लिए हम बहुत सारा पैसा चार्ज करेंगे। हाँ ठीक है पैसा तुम देंगे, हमें जो चाहिए एक ट्री हाउस बनवाना है। अरे वो तो हम बना देंगे चुटकियों में। ओके गाइस, यार यहाँ पे ट्री हाउस तो उस बंदे ने बोल दिया कि बना देगा, वो भी चुटकियों में, बस ज्यादा ही फेक नहीं रहा। ओके यार हमें एक लोकेशन चाहिए जहाँ पे यार ट्री हाउस बन सके। हमें जंगल के पास में ट्री हाउस बनाना है यार, ताकि ग्रूट की जो पावर्स है वो जंगल में फैले और जंगल और भी हरा भरा हो जाए। ओके गाइस चलो चलते, वो जैकी दादा आते होंगे। ओए मुन्ना बात बन गई। अरे हाँ भैया, जैकी दादा बस आ ही रहे और हमें वो लेके जाए। अरे बुड़बक हमारी बात सुनो, तुम लोगों को ट्री हाउस बनवाना है ना, तो मुझे पता है कि तुम लोगों को कहाँ चाहिए ट्री हाउस बनाने के लिए। अरे यार वो किधर? अरे भाग का रे जैकी दादा, रुकोगे? अरे मेरे पीछे बस आओ, मैं तुम्हें एक नंबर लोकेशन दूंगा वैसे ट्री हाउस बनाने की, जहाँ पे बहुत ही बढ़िया ट्री हाउस बनेगा। अच्छा वैसे हमें ट्री हाउस हमारे घर के पास चाहिए था। अरे नहीं, मैं घर की ओर नहीं जाऊंगा, मैं अपने गांव को छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। अरे यार ये भी बात है क्या? अरे हाँ और क्या, तुम्हें अगर यही ट्री हाउस बनाना है तो बनवा लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है ऐसा करो, तुम अपने गांव के आसपास ही बना दो। हाँ तो जल्दी आओ मेरे पीछे, मैं तुमको बना के दूंगा एक नंबर का ट्री हाउस, जिसको देख के तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। बुड़बक जल्दी आओ पीछे। अरे 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 एक और, ये कहाँ लेके जा रहे हो? अरे बुड़बक मैं तुमको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे बनाएंगे हम ट्री हाउस। अरे गाइस यार ये कैसी जगह है? ओए मुन्ना बाप रे बाप, यहाँ तो मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ। हे भैया यार बुड़बक, इस पहाड़ को हमने अपने हाथों से छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ के जीना बनाया है। अच्छा क्या बात है गाइस, यार इस बंदे ने कितनी मेहनत करी है, यहाँ पे पूरा पहाड़ काट के जीना ही बना दिया, क्या बात है। और अब बुड़बक तुमको क्या लगता है, हम नकली बंदे हैं क्या? हम एक नंबर के असली बंदे हैं, जब काम लेते हैं तो उसका पूरा ही करके मानते हैं। अच्छा ठीक है तो जल्दी से हमारा काम स्टार्ट कर दो। बड़वा काम ऐसे बना दूं क्या, हवा में बना दूं क्या, या पानी से बना दूं? इधर मेरी बात सुनो। हाँ क्या क्या, बोलो क्या हुआ? अबे बुड़बक मटेरियल ला के दोगे जभी तो बनाऊंगा ना, ऐसे कैसे बना दूंगा? अरे तो मटेरियल तुम अपना ले लो ना। अरे मैं कोई मटेरियल नहीं लाता हूँ, मैं खाली बनाने वाला आदमी हूँ, तो मटेरियल तुम्हें अपना लाना पड़ेगा। अच्छा यार क्या चाहिए मटेरियल में? बुड़बक खाली लक्कड़ लेकर आ रहा जाओ, तुमको लक्कड़ लाना है, उसके बाद मेरे हाथों का जादू देखो तुम लोग। अच्छा गाइस यार हमें लक्कड़ लाना है। ए भैया हमें एक पेड़ मतलब ही काट के लाना है, उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा। ओए मुन्ना तू ऊपर कहाँ जा रहा है, अरे क्या करने आ रहा है? अरे भैया मैं रास्ता ढूंढ रहा हूँ गाइस, यहाँ पे एक रास्ता तो आ रहा था ऊपर जाने के लिए, मुझे लगता है ये हाउस तक है। यहाँ पे टावर वगैरह तो लगा है, तो गाइस यहाँ पे मोबाइल वगैरह के नेटवर्क भी आएंगे और बिजली वगैरह का कनेक्शन भी अच्छा मिल जाएगा, तो गाइस ये बढ़िया रहेगा। वैसे लोकेशन काफी अच्छी भैया, इस लोकेशन को देख के ग्रुप काफी खुश होने वाला है। अरे यार बिल्कुल मजा आने वाला है, लेकिन मुझे एक चीज बताओगे? अरे हाँ क्या हुआ सिंचन? अरे यार हम उसी गाड़ी के ऊपर कैसे लेके आएंगे इतने ऊपर? अरे यार रुको रुको यार, एक काम करते हैं, गाड़ी से हम उस पेड़ को इस साइड लेकर आएंगे और यहाँ से अपना बिल्डर जो भी है लंबर जैकी यहाँ पर लागे बना लेगा ना। ओए मुन्ना ठीक है, चल जल्दी चले लक्कड़ ढूंढने। ओए यहाँ पे तो बहुत पेड़ है, काट सकते। और अब बुड़बक यहाँ का पेड़ नहीं काटना, नहीं तो तुम्हें मैं काट दूंगा। अरे यार ये क्या, ये भी लफड़ा है क्या? ओए मुन्ना यहाँ तो पेड़ ही नहीं काट सकते हैं। अरे बाप रे बाप, लंबर जैकी ने बताया मुन्ना, ये जितने भी पेड़ है ना ये उनके लगाए हुए, तो हम उनको नहीं काट सकते हैं। ओए वो मुन्ना हरियाली के बहुत ही ज्यादा पक्ष में है, नेचर को नुकसान नहीं करना चाहता है इसीलिए। अरे यार भैया चलो गाइस यार इस एरिया में हम पेड़ नहीं काट सकते, नहीं तो वो लोग हमें ही काट देंगे। ओके भैया हमें यार जाके दूसरी साइड में जंगल में जाके भैया पेड़ काटना पड़ेगा। ओए मुन्ना अगर रेंजर ने देख लिया तो अपनी दह पिटाई पड़ जाएगी, अगर हरा पेड़ काट दिया तो हमने। अरे हाँ भैया रेंजर को, चलो गाइस हरा पेड़ नहीं काटेंगे ना भैया, सूखा पेड़ काटेंगे, जहाँ भी सूखा पेड़ दिखेगा भैया उसी को काट देंगे। अरे यार वहाँ देखो सूखा पेड़ दिख रहा था। अरे नहीं नहीं सिंचन, इस वाले एरिया में हम पेड़ नहीं काट सकते, हमें दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा जहाँ पे भैया हम पेड़ कटिंग कर सकते हैं। इस वाले एरिया में हम पेड़ नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे नए नए पेड़ और लगे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बंदों ने पेड़ काट काट के गायब कर दिए, तो इस वाले एरिया में पेड़ काटना बैन हो गया है।
अरे यार क्या बात कर रहे हो, वैसे यार बात तो सही है, अगर तुम लोग सारे पेड़ को काट दो तो नेचर में तो कुछ भी नहीं बचेगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। अरे हाँ यार, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ कंज्यूम करके उसको एक ऑक्सीजन में बदल देते हैं। अरे यार क्योंकि वो अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन। अरे हाँ सही कहा। ओए मुन्ना, मेरे को भी यही पता था। अरे भैया तुम तो रहने दो, वैसे गाइस हमें जाना है जंगल की साइड में। भैया ओए मुन्ना, यहाँ पे देख इतने सारे लकड़ पड़ी है, उठा लेते हैं। अरे भैया पागल हो रहे हो क्या? ए जिसने भी यहाँ पे काट के रखी है ना, उसने हमें देख लिया ना तो भैया वो एक्स से हमें मार देगा। ओए ठीक है चल तू आगे ले चल, हम अपना खुद का पेड़ काटेंगे। अरे हाँ भैया। ए दोस्तों यहाँ भी लॉक्स वगैरह काट के रखे हैं लेकिन यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है, चलो आगे चलते हैं। ओए मुन्ना इधर ही रोक ले। अरे भैया मुझे लगता है ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस साइड भी हम नहीं काट सकते। ओए चल ना। अरे भैया नहीं यार, यहाँ भी लफड़ा हो जाएगा क्योंकि यार उस बंदे ने लग रहा है पहले इस जगह को ले लिया है पेड़ काटने के लिए और वहाँ पे उसने लॉक्स वगैरह काट भी रखे थे। अरे बाप रे, ओए क्या कर रहा है, आग बंद करके गाड़ी चला रहा है क्या? अरे नहीं नहीं भैया रुको गाइस, जरा हमें सूखा लकड़ ढूंढना है, जहाँ पे सूखा पेड़ मिल गया ना हम उसी को ले चलेंगे भैया। ओए मुन्ना सामने कुछ तो नजर आ रहा है। अरे भैया किधर? ओए ये देख क्या ये? अरे भैया ये तो सूखा पेड़ है। गाइस यार हम तो काफी ज्यादा लकी हो गए, फाइनली हमें सूखा पेड़ मिल गया जो कि रोडों के रोड के बीचों बीच गिरा पड़ा है। ये भैया इस सूखे पेड़ को ले जाते हैं और ये किसी का भी नहीं होगा। ओए सही का मुन्ना, एक नंबर। ए भैया इस तरीके से प्रकृति को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। ए भैया एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा। ओए ठीक है। ए चलो गाइस यार इस पेड़ को हम ले चलते हैं। ए और यार बाप रे कौन आ रहा सामने? ए कौन है? अबे ओए इस पेड़ को हटा ले, आ जल्दी हटा इसको, अपने तुम्हारा पेड़ है इसको ले जाओ, जहाँ भी ले आना है रोड खाली करो। अरे सर ठीक है मैं इस पेड़ को ले जा रहा हूँ जल्दी। हाँ तो जल्दी हटाओ इसको। अरे सर ठीक है मैं बस हटा रहा हूँ। ए भैया वो बंदा जो गया था ना वो रेंजर था भैया, उसने अगर हमें देख लिया होता ना हड़ा पेड़ काटते हुए तो हमें जेल में सीधा डाल देता। ओए मुन्ना बाल बचे भैया, लेकिन हम तो सूखा पेड़ उठा रहे थे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फाइनली गाइस हमने अपनी यहाँ पे गाड़ी पे पेड़ डाल दिया है। अबे ए पीछे तो देख ले, अबे चाचा पीछे देख, अबे क्या कर रहे हो मेरी गाड़ी पलट। अरे गाइस पीछे कौन है? ओए मुन्ना पीछे एक नुबड़ा है, उसकी गाड़ी हमने पूरी घुमा दी है पेड़ से। अबे पागल हो गया क्या, बाहर निकल बता दो तुझे। अरे इसको क्या हो रहा है भैया? ओए मुन्ना तूने उसकी गाड़ी पूरी घुमा दी पेड़ से। अरे ये पागल भाग्या से आया बड़ा। अबे एक हो रुक बता रहा, अबे भैंस की डांट। ए फाइनली गया नुबड़ा कहीं का, दरवाजा खोल नहीं पाए गाड़ी का और हमसे चला टक्कर लेने। ओए मुन्ना चल पेड़ तो मिल गया सूखा, ओए इतने में तो काम बन ही जाएगा। हाँ भैया इतने में तो एक बढ़िया घर बनी जाना चाहिए, ट्री हाउस। अरे यार बिल्कुल जाती है, मस्त हो गया, चलो ग्रूट को मैं ढूंढू क्या? अरे नहीं सिंचन रुको यार, सबसे पहले हमें इसे ट्री को डिलीवर भी तो करना है लंबर जैकी के पास में ना। अरे हाँ चलो ठीक है। ओके गाइस चलो यार सबसे पहले हम इसे ट्री को ले चलते हैं। भैया ये ट्री रखने के बाद गाड़ी थोड़ी बैलेंस अनबैलेंस हो रही है, इधर उधर जा रही है। ओए मुन्ना राइट में लेना है। अरे हाँ भैया ठीक है। गाइस यार ये मैं क्या बोल रहा था? ओए नुबड़े तू ये बोल रहा है कि इस पेड़ से गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है। अरे हाँ भैया ये ट्रक छोटा पड़ रहा है गाइस, ये पेड़ का वजन बहुत ही ज्यादा है। लेकिन कोई नहीं फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ओए मुन्ना जल्दी कर। ए भैया बस पहुंचने वाले हैं, फाइनली गाइस हम यहाँ पर आ चुके हैं और वो रहे अपने जैकी दादा। ए जैकी दादा हम लोग आ गए। अबे बुड़बक पेड़ लेने गए थे कि क्या करने गए थे, पेड़ उगा रहे थे क्या? अरे नहीं हमें पेड़ मिला नहीं, सूखा पेड़ हम ढूंढ कर लेकर आ चुके हैं। अबे बुड़बक कहीं के एक पेड़ से काम नहीं बनेगा, तुम्हें कम से कम 8-10 तो पेड़ लाने पड़ेंगे। अरे यार ये क्या बात कर दी, एक पेड़ में नहीं बनेगा? अबे क्या मैं फर्नीचर थोड़ी बना रहा हूँ जो एक बनेगा, इतने में तो घर का फर्नीचर आएगा खाली, घर नहीं बनेगा। अरे यार ये क्या बात हो गई यार, अब क्या करें भैया, पेड़ कहाँ से लेकर आए? अरे अच्छा तुमको पेड़ नहीं मिल रहा है तो मैं तुमको बताता हूँ कहाँ से तुम्हें पेड़ मिलेंगे, वो भी डिस्काउंट में। ए तुम्हें पता है क्या? अरे हाँ मेरा एक दोस्त है, उसके पास चले जाओ, उसका नाम है टपलू। अरे ये क्या टपलू नाम तो जाना सुना लग रहा है। अरे मतलब कि उसको बोलते हम प्यार से टपलू, उसके पास तुम्हें लकड़ मिल जाएगी। अच्छा चलो ठीक है गाइस यार, फाइनली हम टपलू के पास जा रहे हैं। वैसे भैया उसका नाम टपलू क्यों रखा होगा?
ओए मुझे क्या पता ये दोनों पंटर यार होंगे। ए भैया वो दूसरे गांव में रहता। फाइनली गाइस हम दूसरे गांव में हैं जहां पे हमें लकड़ मिल जाएंगे डिस्काउंट में और हम उसे लेके जाएंगे। ओए मुन्ना वो लंबर जाएगी ज्यादा ही नहीं बन रहा है। अरे भैया जब ही तो ट्री हाउस बना पाएगा, क्योंकि यार एक पेड़ में मुझे भी थोड़ा डाउट आ रहा था कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ओए मुन्ना वो महल बनाना है क्या, उसको इतनी ज्यादा लकड़ियां चाहिए। अरे भैया जो भी हमें करना तो पड़ेगा, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। या तुम बना दोगे क्या? ओए मुझे कहाँ से बना दूंगा। हाँ तो भैया फिर चुप रहो, जब तुम्हें आता नहीं तो तुम बोले ही मत ना भैया। ए भैया यही वाला रास्ता है ना? ओए हाँ यही वाला, चल सीधा चल। ओके गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं भैया। ओए मुन्ना जो उसने लोकेशन दी थी ना, बस मेरे को लगता पहुंच चुके हैं, ये आगे वाला ही है। अच्छा भैया आगे वाला यही है। हाँ भैया यही मुझे लगता है। ए तुम ही टपलू अंकल हो क्या? अरे हाँ इधर आ बुढ़बा के इधर। अरे बाप रे ये दोनों के दोनों बुढ़े बुढ़बा की बोल रहे जब से खुद बुढ़े हैं। अरे क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं अंकल, आपकी बात हुई थी ना उन जैकी दादा से। अरे हाँ जैकी दादा से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि तुम मेरा कर्जा दोगे जो कि जैकी दादा ने मेरे से लिया था। अबे ये क्या फंडा है भाई, कर्जा नहीं लेना हमें लक्कड़ लेनी है। ओके गाइस यार ये जैकी दादा कुछ ज्यादा बंदा चला के उसने कर्जे के लिए भी भेज दिया। ओके चलो यार कर्जा भी दे देते, कितना छोटा मोटा होगा। ओके हमें ये तुमसे लक्कड़ खरीदनी है। हाँ ठीक है मेरी बात हो चुकी, तुम ले जाओ इस लक्कड़ को। ओके गाइस यार पेमेंट वगैरह मैं तुम्हें भी कर देता हूँ। और ये मुझे बताओ तुम्हारे पास कोई ट्रक वगैरह है जिसमें मैं इस लॉक्स को ले जा सकूँ? मेरे पास एक ट्रक तो है लेकिन उसे तुम्हें खरीदना है क्या? अरे नहीं 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 मुझे खरीदना नहीं, मुझे बस रेंट पे चाहिए, फिर मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम जैकी दादा के थ्रू आए तो मैं देता हूँ तुम्हें, ये लो। ए दोस्तों फाइनली यहाँ पे जैकी दादा की वजह से हमें ट्रक भी मिल गया और हमने उस पे ये पूरा का पूरा वुडन लॉक्स लोड कर दिया है फाइनली। और हम अपनी गाड़ी में उसको लोड नहीं कर पाते गाइस यार, क्योंकि गाड़ी पे लोड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता, गाड़ी पे तो आता भी नहीं, पता चलता गाड़ी अपनी बैठ के टूट जाते, टायर वायर फट जाते। ए भैया पीछे आ रहे हो? ओए आ रहा हूं मैं। हाँ ठीक है गाइस, हमें गाड़ी को धीरे धीरे ट्रक को चलाना पड़ेगा क्योंकि हमें पहाड़ी वाले रास्ते पे लेके जाना है जहाँ पे यार बहुत ही ज्यादा डर है क्योंकि यार अपनी गाड़ी पूरी की पूरी ओवरलोड जो हो गई है। चलो गाइस चलते हैं फटाफट से अभी। अभी तो मजा ही आने वाला है। फाइनली गाइस इसकी डिलीवरी करते हैं फिर उसके पास देखते हैं। और हम आ चुके हैं। ओए मुन्ना डिलीवरी तो पूरी हो चुकी है। हाँ गाइस मैंने ट्रक को भी यहाँ पे साफ जगह पे लगा दिया है। जैकी दादा अब इतनी लकड़ तो ठीक है। अरे बाप रे क्या बात है, लकड़ तो बहुत एक नंबर लेकर आए तुम लोग। और बुढ़वा बहुत ही ज्यादा मजे आ गया, मैं इसमें देखो तुम्हारे लिए एक नंबर का ट्री हाउस बनाऊंगा ठीक है। हाँ ठीक है ऐसा करते हैं, हम लोग शाम में आएंगे, आप ट्री हाउस रेडी करना, हमें अपने दोस्त को लाना है जो इस घर में रहेगा। अरे बिल्कुल टेंशन नहीं, शाम तक तो मैं इसको ऐसा चमका दूंगा तुम लोग हैरान हो जाओगे बस देख के। बुढ़वा ठीक है। हाँ ठीक है जैकी दादा, भैया चलो चले। ओए मुन्ना ये ग्रूट का बच्चा कहाँ पे होगा अब? अरे भैया अब मुझे क्या पता यार ग्रूट कहाँ पर होगा। ए वैसे ग्रूट कहाँ पे जा सकता है? ओए मुन्ना मुझे नहीं पता, वैसे घर से बाहर ही निकला था ना वो। अरे यार मैंने पूछा जी ग्रूट से, मैंने उन्हें कॉल करा लेकिन ग्रूट ने तो मेरा कॉल भी नहीं उठाया। हाँ ग्रूट मुझे लगता है भाई सिंचन तुमसे नाराज हो गया है। वैसे ग्रूट की लोकेशन क्या थी फोन की? अरे यार वो अपने घर के सामने ही था। अरे घर के सामने? कहीं वो घर में तुम्हारे नहीं रह रहा है? ओए मुन्ना मैं बाहर फेंक देना उसको उठा के। अरे नहीं नहीं वो घर में नहीं था। ओके चलो गाइस यार ग्रूट को मैं ढूंढना है। अरे यार बस उसकी लोकेशन यही भी दे दिखा रही थी आसपास कहीं। ओके मुझे लगता है ग्रूट गाइस यार यही कहीं होगा। अरे यार मुझे ग्रूट की गाड़ी दिख गई, वो रही उसकी गाड़ी। अरे क्या बात करे। अरे हाँ मुझे भी एक गाड़ी तो दिख रही ग्रीन कलर के। ए लगता है ग्रूट गाइस यार यहीं पे बैठा हुआ है। ओके ग्रूट कब हम सरप्राइज करने वाले हैं। अरे ग्रूट रोने का नहीं। मैं आ गया, मैं सिंचन का बड़ा भाई होगी हूँ। वैसे तुम टेंशन मत लो, सिंचन के दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त हो। अरे तुम लोग तो मुझे छोड़ के चले गए थे, अब क्या बोले हो? अरे हाँ यार सिंचन तुमसे कुछ कहना चाहता है, बस उसकी बात सुन लो। हाँ सिंचन बोलो। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी ग्रूट मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे भी गाड़ी को धीरे चलाना चाहिए था, सॉरी यार मुझे माफ कर दो, और मैंने बहुत ज्यादा गुस्से में था इसलिए मैंने तुम्हें बुरा भला बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, आखिरकार तुम्हें भी रियलाइज हो गया, चलो कोई नहीं दोस्ती में तो इतना होता रहता है।
अरे हाँ, यहाँ से का दोस्ती में इतना होता रहता था। ग्रूट, हम तुम्हें सरप्राइज देने वाले हैं, तुम्हें बस हमारे साथ चलना है। अरे ग्रूट को तो सरप्राइज बहुत ही बढ़िया लगता है, वैसे कहाँ है सरप्राइज। अरे ग्रूट, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। फाइनली गाइस, हम ग्रूट को लेके यहाँ पर आ चुके हैं और ग्रूट को हम सरप्राइज करने वाले हैं। ग्रूट बस हमारे साथ आओ, तुम्हें मैं देने वाला एक बम्पर गिफ्ट सिंचन की तरफ से। अरे हाँ बिल्कुल योगी भैया, ग्रूट ये खास तुम्हारे लिए। अरे यार तुम लोग तो बहुत ही अच्छे निकले, एवेंजर्स तो बहुत ही बुरे हैं, उन लोगों ने तो मुझे एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा। अरे हाँ, एवेंजर्स वैसे बहुत ही ज्यादा घमंडी है क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है ना, इसीलिए। और खास कर तो हल्क तो एक नंबर का पागल ही है, उससे तो दूरी रहना ठीक है ग्रूट तुम्हारे लिए। अरे हाँ, हल्क ने तो मुझे जानबूझ के भगाया है, और दिन भर ही पाते रहता घर में वो कुछ नहीं। ए ग्रूट, ये देखो तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारी आंखों के सामने है। अरे बुड़बक, हम जैकी दादा के भाई हैं, उसने बोला कि पेमेंट हमें कर देना। अच्छा ठीक है ठीक है, जैकी दादा कहाँ गए? अरे बुड़बक, वो कट्टा बनाने गए हैं। अच्छा ठीक है गाइस, यार यहाँ पे तो बहुत ही यार डेंजर है। लेकिन ग्रूट ये देखो तुम्हारा सरप्राइज। अरे वाह, थैंक यू सिंचन ओगी एंड जैक, तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ ऊपर जाके देखो, इस घर की ओपनिंग तुम ही करोगे। अच्छा ये घर है क्या? अरे वाह, इतना बढ़िया घर जो कि पेड़ के ऊपर बना है, मुझे तो काफी पसंद आया ये घर। वाओ, ऐसा घर तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जो कि पेड़ के ऊपर बना होगा। वाओ, यहाँ से तो मैं नेचर के सारे मजे ले सकता हूँ और मैं नेचर को बदले में पेड़ दे सकता हूँ। अरे हाँ, इसीलिए तो हमने तुम्हें ये गिफ्ट किया है। हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, ऐसा करता हूँ घर को देखता हूँ, ये दरवाजा यहाँ पे है। ओके, ये दरवाजे देखने से पहले ऐसा करता हूँ, ये रास्ता आगे जा रहा है, आगे और क्या है। अच्छा यहाँ पे था एंड है, चलो अब मैं अपने घर में चलता हूँ और देखे आखिरकार घर मेरा कैसा है। वाह, मजा आ जाएगा। अरे वाह वाह, ये तो कितना बढ़िया लग रहा है, ये मेरा खुद का घर है। वाह मजे आ गया, वाह ये तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ओ, ये मेरा खुद का वार्डरोब है और यहाँ पे मैं नहा भी सकता हूँ, इसमें तो बाथरूम भी है। वाह मजे आ गया, और मुझे लगता है मुझे और भी देखना चाहिए। हाँ किस साइड, वैसे घर तो काफी बढ़िया बना है और यहाँ से क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। अरे वाह, यहाँ से तो मैं पूरे के पूरे नेचर का बहुत ही सही तरीके से मजा ले सकता हूँ। वाह, मुझे तो ऐसे घर चाहिए था। वैसे टोनी स्टार का मेंशन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस उसका मेंशन बड़ा है, ऐसा नेचर नहीं है। हाँ मजे आ गया। और यहाँ से क्या ही व्यू मिल रहा है। वाओ, ये वाला व्यू भी काफी अच्छा लग रहा है, मजे आ गया इसे देखने के बाद। ये मेरा कितना ही प्यारा खुद का किचन भी है। वाओ, अब मैं यहाँ पे खुद का मन पसंद चीज पका सकता हूँ और खा सकता हूँ। वैसे अब तो मजे आएगा, ये थोड़ा सा डोर यहाँ पे गलत लगा दिया है, चलो कोई नहीं, वैसे इसको थोड़ा सा मैं खुद ही साइड कर देता हूँ और जगह बना देता हूँ। क्रूट कुछ भी कर सकता है अपने घर में। और यहाँ पे बेडरूम भी है क्या मेरा? ये बेडरूम तो कितना ही प्यारा लग रहा है, ये मेरा खुद का बेडरूम है, मेरी आंखों में आंसू आ गया। यहाँ क्या बात है, मेरे सिंचन दोस्त है मेरे लिए इतना किया। और ये मेरी बालकोनी कितनी अच्छी है। मेरा खुद का भी टेरिस है क्या? अरे वाह वाह, ये टेरिस तो काफी बढ़िया लगा मुझे। वाह, यहाँ पे इतने सारे फूल और इतनी सारी तितलियाँ, ऐसा ही नेचर मुझे चाहिए था। वाह सिंचन, वाह मेरे दोस्तों ने मेरे लिए इतना किया। सिंचन ऊपर आ जाओ तुम लोग भी। अरे मुन्ना गाना मत गा, बस गिटार बजा ले, बस तेरे बस की बात नहीं है। आज करेंगे हम फुल नाइट भैया, ट्री हाउस में पार्टी है, पार्टी। भैया पार्टी ऑल नाइट। ओए बस कर, जेब में तेरे 1 रुपए नहीं है, पार्टी करेगा आया बड़ा पार्टी करने वाला।